दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? शायद आप में से बहुत से लोग को इसका एक्यूरेट जवाब मालूम नहीं होगा। दरअसल भारत में जितनी ट्रेन्स होती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर सवारी गाड़ी, उन सभी की एवरेज लंबाई 600 मीटर से लेकर 800 मीटर तक होती है। लेकिन क्या आपको यकीन होगा अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई मीटर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में है, वो भी 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी लंबी ट्रेन में 600 से भी ज्यादा डिब्बे मौजूद हैं। सुनने में जरा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बताएंगे। इतनी लंबी ट्रेन कि आपको एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए घंटों का समय लग जाए। 800 से भी ज्यादा डिब्बे सिर्फ एक ट्रेन को खींचने के लिए, 10 रेलवे इंजन, लाखों टन का वजन और 8 किलोमीटर से भी ज्यादा की लंबाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेन जब चलती होगी तो उसका नजारा कितना भयानक होता होगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के अनोखे सफर को। और हमारी इस लिस्ट में एक ट्रेन भारत की भी है जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है, द रियो टेंटो रेलवे। ऑस्ट्रेलिया में खदान मौजूद है जिसका नाम है रियो टेंटो, और उसी खदान का एक प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम है रियो टेंटो रेलवे। रियो टेंटो रेलवे किसी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए नहीं चलाया जाता, बल्कि वहाँ की खदान में जो भी मटेरियल निकलता है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए रियो टेंटो रेलवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त रियो टेंटो माइनिंग ऑपरेशन के अंदर 200 से भी ज्यादा लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि रियो टेंटो रेलवे के अंदर कोई भी ट्रेन ऐसी है ही नहीं जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से कम हो। यही वजह है कि रियो टेंटो रेलवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेलवे कहा जाता है। खैर, ये तो हो गई 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन की बात, लेकिन अब हम आपको जिस ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। दोस्तों, ये लंबी ट्रेन कहीं और की नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसका नाम है बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई 7.2 किलोमीटर है, यानी कि 7 किलोमीटर और 290 मीटर अगर भारत में चलने वाली मालगाड़ी से इस ट्रेन की तुलना की जाए तो लगभग 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रेन एक बार में 42,000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। और तो और, इतनी लंबी ट्रेन में कम से कम 402 डिब्बे मौजूद होते हैं, और जरूरत पड़ने पर इन डिब्बों की संख्या 700 से भी ज्यादा कर दी जाती है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए आखिर इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए अब तक कोई इंजन तैयार ही नहीं हुआ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में इस लंबी ट्रेन को खींचने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि एक ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल, और वो भी सबसे पावरफुल इंजन। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 10 घंटे बाद 300 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। दरअसल इतना भारी भरकम होने की वजह से इस ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। जब आप इस लंबी रेलगाड़ी को चलते हुए देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी निगाहें थम जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की इस रेलगाड़ी को दुनिया की सबसे भारी भरकम रेलगाड़ी कहा जाता है। यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, यूनियन पैसिफिक ट्रेन रेलगाड़ी की वो संस्था है जो यूरोप में रेलगाड़ियां चलाती है, और अपने रेलगाड़ियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करती। यूनियन पैसिफिक की अधिकतर ट्रेन तो ऐसी है जिसे आज भी भाप के इंजन से चलाया जाता है, और कभी कभी कोयले से चलने वाले इंजन के द्वारा। यही वजह है कि यूनियन पैसिफिक ट्रेन में जितने लोग यात्रा करने नहीं जाते, उससे अधिक लोग तो सिर्फ इस ट्रेन को देखने के लिए जाते हैं। ये घटना साल 2010 की है, जब यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ कर्मचारी देखना चाहते थे कि एक इंजन की मदद से कितने लंबे ट्रेन को खींचा जा सकता है। दरअसल ऐसा करने से उनकी भारी भरकम बचत होने वाली थी। यही वजह है कि उसने एक मालगाड़ी ट्रेन में डब्बों को जोड़ जोड़ कर उसकी लंबाई 6 किलोमीटर से अधिक कर दी। हैरानी की बात तो ये है कि ये ट्रेन का इंजन पूरी तरह से कोयले से चलने वाला इंजन था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इतनी लंबी ट्रेन को कोयले की मदद से खींचा गया, और यूनियन पैसिफिक ट्रेन भी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा ही लिया। अब हम आपको उस ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने भी नहीं तोड़ा। शिशेन सल्ताना ट्रेन। साल 1989 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारियों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जब उन्होंने सबसे भारी और सबसे लंबी ट्रेन को चलाकर ये रिकॉर्ड बनाया। इतनी लंबी ट्रेन को करीब 800 से अधिक दूरी तक ले जाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन में
660 से भी अधिक डब्बे जोड़े गए थे और इस ट्रेन को खींचने के लिए 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया था और साथ में इमरजेंसी जैसी स्थिति से निपटने के लिए 4 डीजल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 7 साल लंबा प्लान तैयार किया गया, यानी कि अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस 7 साल से प्लान कर रहे थे कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन को कैसे तैयार किया जाए। जिसके बाद साल 1989 में अफ्रीका के लोगों ने इस ट्रेन को चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। दरअसल जो इस ट्रेन की लंबाई है वो 8 किलोमीटर के लगभग थी, यानी कि आप ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने की कोशिश करते हैं तो आपको 2 घंटे से भी अधिक का वक्त लग सकता है। खैर, ये तो हो गई विदेशों की सबसे लंबी ट्रेन की बात, लेकिन हमारे भारत में भी एक ट्रेन ऐसी है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब तक इस ट्रेन के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में। इंडियन रेलवे। कोरोना काल में रेलवे ने अधिकतर ट्रेन को बंद कर दिया था, लेकिन रेलवे ने इसका फायदा उठाते हुए बहुत से नए रिकॉर्ड बना दिए। इसी सिलसिले में भारतीय रेलवे ने 295 डब्बों को जोड़कर और 5 इंजन की सहायता से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को तैयार कर दिया और भारत की सबसे लंबी ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाया गया। जब इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था तो उसे देखने वाले लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी लंबी ट्रेन भी हो सकती है। 3.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन को खींचने के लिए 5 इंजन लगाए गए। 5 इंजन के बीच बेहतरीन तालमेल के लिए इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल से जोड़ा गया। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा। भारतीय रेलवे इससे पहले भी लंबी ट्रेन को चला चुकी है जिसका नाम था एनाकोंडा और शेषनाग। रेलवे के इन प्रयासों से कम अधिक माल को पहुंचाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय रेलवे में जितनी भी मालगाड़ियां मौजूद है उनकी लंबाई को अधिक बढ़ाया जाएगा। कम समय और कम लागत, अधिक सुविधा और बेहतर सुरक्षा के कारण भारतीय रेलवे देश में माल ढुलाई को बेहतरीन साधन बनते जा रही है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चाहे भारत हो या विदेश, वहां पर सवारी गाड़ी को इतना लंबा क्यों नहीं बनाया जाता? सवारी गाड़ियां इतनी छोटी क्यों होती हैं, जबकि भारत में सवारी की संख्या भी बहुत ज्यादा है, रेलगाड़ियां कम पड़ जाती है? दोस्तों, भारत में इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में जितनी भी रेलवे स्टेशन है उनमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर तक ही होती है। ऐसे में किसी सवारी गाड़ी की लंबाई 650 मीटर से अधिक कर दी जाएगी, उसका पीछे का भाग या आगे का भाग प्लेटफॉर्म के आगे निकल जाएगा। और इसी स्थिति में अगर कोई सवारी बिना प्लेटफॉर्म के ट्रेन पर चढ़ने या उतरने की कोशिश करता है तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि भारत में जितनी भी सवारी गाड़ियां हैं उनकी लंबाई सिर्फ 650 मीटर तक ही रखी जाती है। मालगाड़ी को अधिक लंबा बना दिया जाता है क्योंकि मालगाड़ियां सामान्य रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं रुकती। मालगाड़ी को रुकने के लिए अलग से बड़ी व्यवस्थाएं करी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही दुनिया के अन्य देशों में भी है, जहां के रेलवे स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी लंबाई 600 मीटर से 800 मीटर तक होती है। यही वजह है कि किसी सवारी गाड़ी को इससे लंबा नहीं बनाया जाता है। और अगर सवारी गाड़ी को इतना अधिक लंबी बनाने की कोशिश करेगी तो भारतीय रेलवे को भारत में जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उन्हें भी लंबा करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि टेक्निकल विकिपीडिया की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।